अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दोस्तों को पता है कि ये पेल्टियर मॉड्यूल इसको कहते हैं, और इसके ये दो तारे हैं। इसमें 12 वोल्ट जब हम देते हैं तो इसके दो साइड होते हैं पेल्टियर मॉड्यूल के, एक साइड हीट होता है, एक कूल होता है। तो ये हीट एंड कूल है, एक साइड से हीट पैदा करता है, एक साइड से कूल पैदा करता है। तो आज इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए दोस्त आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। लाइक करने से हमारी बहुत सी हौसला अफजाई होती है और हम नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने इसका एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा, जो काफ़ी दोस्तों ने सोचा तो होगा, लेकिन हो सकता है किसी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है या नहीं किया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें दो हिस्से होते हैं, एक हीट होता है, एक कूल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जहाँ से हम 12 वोल्ट देते हैं यहाँ से हम देखेंगे तो ये वोल्ट पैदा करता है या नहीं, क्योंकि जब ये वोल्ट पर चलता है तो ये दोबारा आउटपुट वोल्ट पैदा करेगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि तो जिस साइड से इसका हीट है वहाँ से हम कोई भी हीटिंग देंगे इसको, और जिस साइड से कूल है वहाँ से हम एक बर्फ़ का टुकड़ा इस पर रखेंगे, तो आउटपुट देखेंगे कि ये वोल्ट आउटपुट देता है या नहीं। तो फिलहाल हम ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है इससे हम लगा के देख रहे हैं कि पेल्टियर मॉड्यूल बिल्कुल ठीक है या नहीं, और पेल्टियर मॉड्यूल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने आपको बताया इसको चेक करते हैं कि ये होता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं।